सलाम अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की टॉपिक है लगन को लेकर। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं कंफ्यूज्ड हैं, ये लगना क्या होता है। लगना होता है बर्थ चार्ट, जिसको हिंदी में कुंडली कहते हैं। बर्थ चार्ट इसको कहते हैं जो राइजिंग साइन, बर्थ टाइम पे जो प्लैनेट पावर में था उसको कहते हैं लगना, बर्थ चार्ट। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्योंकि जेमस्टोन जो है लगना के अकॉर्डिंग, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग पहना जाता है, तो बहुत सारे लोग ये अक्सर पूछते रहते हैं कि हम हमारे लगन के हिसाब से, बर्थ चार्ट के हिसाब से कौन सा जेमस्टोन जो है पहन सकते हैं और कौन सा जेमस्टोन जो है नहीं पहन सकते। तो मेरी सीरीज आज से यही होने वाली है, पूरे 12 साइंस को लेकर, कि कौन सा जेमस्टोन कौन पहन सकते हैं और कौन सा जेमस्टोन नहीं पहन सकते बर्थ चार्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एरीज से। एरीज जिसका बर्थ चार्ट, जिसको हम असेंडेंट कहते हैं जी, जिसका एरीज असेंडेंट है, वो जो है सबसे पहले कोरल पहन सकते हैं। कोरल उनके लिए, उनका जो है लाइफ स्टोन कोरल है। कोरल पहनने से इनका जो है लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा। कोरल पहनने से इनके पर्सनालिटी में जो है वो अच्छा रहेगा। इनके खुद के लिए जो है कोरल, इनके हेल्थ के लिए और बहुत सारी चीज़ें जो है, जितनी भी फर्स्ट हाउस से रिलेटेड होती है, इसके लिए कोरल जेमस्टोन जो है एरीज असेंडेंट वाले पहन सकते हैं। फर्स्ट हाउस और ये तब से ये जो है लिंक है, ये तब से जो ये जिसे असेंडेंट लगन कहते हैं, अगर जिस किसी का भी लगना जो है 8th हाउस में आ जाता है, 12th हाउस, 6th हाउस, जिससे भी कनेक्शन इसका है, ये जो है पहन सकते हैं। क्योंकि जो है ये लगन जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है हर एक हाउस से। ये भी मैं मेंशन कर दूंगा, जिसको ट्राइन कहते हैं, ये बहुत सारे ऑस्पिशियस हाउसेस होते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद जो है जो ये 1, 4, 7, 10 इसको कहते हैं केंद्र। ये जितने ये भी जो है ऑस्पिशियस हाउसेज होते हैं, और बाकी के जो है हाउस, और ये 11th हाउस भी जो ऑस्पिशियस होता है, और बाकी के जितने भी हाउसेज होते हैं वो अच्छे भाव नहीं माने जाते। तो जिस किसी का भी उसके साथ लिंक्ड होता है, वो जेमस्टोन जो है नहीं पहना जा सकता है। और बाकी की चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा। और अभी थोड़े लोग कहेंगे 8th हाउस से भी ये लिंक्ड है, तो 8th हाउस से लिंक्ड होने से इसे इसका जेमस्टोन जो है फिर भी पहन सकते हैं, क्योंकि जो है लगन को किसी हाउस का जो है दोष नहीं लगता। और सेकेंड हाउस में जो है सेकेंड हाउस का डिपार्टमेंट जो है एरिस असेंडेंट वालों को वीनस ने लिया है, तो वीनस का जेमस्टोन जो है नहीं पहन सकते, क्योंकि 8 to 8 थ्योरी के हिसाब से वीनस जो है इनऑस्पिशियस हो गया, तो वीनस का जेमस्टोन जो है वो नहीं पहना जा सकता, डायमंड को नहीं पहन सकते। थर्ड हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो मर्क्यूरी है, तो एमरल्ड भी जेमस्टोन नहीं पहना जा सकता। और 4th हाउस का लॉर्ड है मून, मून जो है पहना जा सकता है, क्योंकि मून न्यूट्रल हो गया एरिस असेंडेंट वालों को, तो मून का जेमस्टोन मोती जो है एरिस असेंडेंट वाले पहन सकते हैं। और 5th हाउस जो है इसने दिया है सन को, तो सन का जेमस्टोन जो है एरिस असेंडेंट वाले पहन सकते हैं। और बाकी का 6th हाउस जो है वो एमरल्ड नहीं पहन सकते। 7th हाउस जो है 7th हाउस का जेमस्टोन भी नहीं पहन सकते डायमंड। 8th हाउस का जेमस्टोन जो है लगन के अकॉर्डिंग पहन सकते हैं। और 9th हाउस का जेमस्टोन जो है येलो सफ़ायर पहना जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था ट्राइन जो है ऑस्पिशियस होता है, ऑस्पिशियस हाउसेज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जेमस्टोन पहना जा सकता है।
जुपिटर का येलो सफायर, और 10th हाउस 11th हाउस का जेमस्टोन ब्लू सफायर जो है एरीज एसेंडेंट वाले नहीं पहन सकते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरा ये सीरीज आप लोगों को पसंद आएगा। जो लोग कन्फ्यूज हैं लग्ना को लेकर असेंडेंट को लेकर, वो लोगों को जो है क्लियर हो जाएगा कि जेमस्टोन किस हिसाब से पहनते हैं और कौन सा जेमस्टोन जो है। आप लोग ही मेरे ये वीडियोस देखकर सजेस्ट कर सकते हैं, आप लोग ही जो है अपना बर्थ चार्ट देखकर जेमस्टोन जो है उसके अकॉर्डिंग पहन सकते हैं। फिर भी जो है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सजेशन लेना अच्छी बात होती है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं कि किस प्लैनेट के साथ जो है वो प्लैनेट है और कौन से हाउस में ऑपोजिटेड है, ये भी बहुत सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आगे भी बनाता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़।